शनीजिस इज पाक क्लाइंट ऑफ तालिबान और रिवर्स? बिकॉज वी आर स्टिल कंफ्यूज, हमें हमें समझ ही नहीं लग रही हमने करना क्या है. हम एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं और नेक्स्ट डे हमारी स्टेटमेंट एकदम चेंज हो जाती है. सो वी आर स्टिल कंफ्यूज कि हमने क्या तालिबान को करना क्या है, हमने तालिबान का अचार डालना है कि हमने क्या करना है. नेक्स्ट सिद्धार्थ शेखर जी क्या कह रहे हैं? आरजू जी आदाब, आज आप बड़ी तो आपकी तारीफें हैं इसमें. शनीजिस व्हाई मुस्लिम्स बिलीव सो मच इन साजिशी थियोरी दे स्टिल. एक्चुअली ये मेरे को टेस्ट कर रहे थे कि तो मुझे उर्दू आती है कि नहीं आती. अच्छा आप पढ़ सकते हैं उर्दू? पढ़ी ना आपके सामने तो पढ़ी. अच्छा. व्हाई मुस्लिम्स बिलीव सो मच इन साजिशी थियोरी दे स्टिल फाइंड इट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट 9/11 वॉल डन बाय मुस्लिम्स कंसिडर इट साजिश अगेंस्ट देम. नहीं, अलकायदा ने जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी तो हम तो अगर कोई किसी किस्म की टेरर एक्टिविटी कर देता है तो हम कहते हैं नहीं जी हम में से नहीं है, तो उसका मतलब है हम उसी वक्त उसको इस्लाम से बाहर निकाल देते हैं. तो फिर हम कैसे माने कि किसी मुस्लिम ने किया है? आप कहीं पे भी देखें जैसे ही कोई टेरर अटैक होता है और उसमें कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता है हम कहते हैं नहीं जी ये तो हमारे में से है ही नहीं. हमारी एक टिपिकल टाइप की एक स्टेटमेंट है जो खट करके आ जाती है हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. सॉरी सिद्धार्थ शेखर आरजू जी, टुडे ऑन 9/11 द तालिबान वॉज गोइंग टू स्वेयर इन अ कैबिनेट फिल्ड विद टेररिस्ट बट दे पोस्टपोन्ड इट बिकॉज ऑफ पीआर कंसर्न्स. डू यू थिंक द थ्रेट टू इंडिया विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ तालिबान? आई थिंक नॉट ओनली फॉर इंडिया, पूरी वर्ल्ड के लिए ही एक तरह का थ्रेट है कि ये अब दोबारा पावर में आ गए हैं और आई डोंट थिंक ये चेंज हुए हैं, दे आर द सेम एज दे वर बिफोर, आई मीन 20 इयर्स बैक. नेक्स्ट फूल्ड संजय सर अनारजू जी नमस्ते. व्हाई पाकिस्तानीज डोंट रियलाइज दैट दे आर बीइंग फूल्ड बाय पाक एडमिनिस्ट्रेशन बाय गिविंग इंडिया चूरन फॉर डेकेड्स? पाक में ये एंटी इंडिया चूरन कभी बंद होगा? अभी तो नहीं होगा, अभी तो चल रहा है, तो जब तक चलता रहेगा तो चलाते रहेंगे क्योंकि इसी से फायदा है यहाँ पर. Just Muslim women don burqa and hijab. Have Muslims done some study that it reduces some violence against women? If not, why do they do it? नहीं देखिए, ये जो बात कर रहे होते हैं ना ये लोग, ये बुरके की और हिजाब की, तो ये हर एक की अपनी चॉइस होनी चाहिए, कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता है. और इस चीज़ को ये गवर्नमेंट का या स्टेट का काम नहीं है कि वो ऑर्डर करे. तो आई डोंट थिंक कि मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती. कूल डूड आरजू जी, पाक में रिसेंटली फीमेल्स को जीन्स पहनने पर पाबंदी लगी है, इज इट ट्रू? एंड डोंट यू थिंक ये शरिया लव विल प्रूव वेरी हार्मफुल फॉर पाकिस्तानीज? देखिए वो टीचर्स के लिए कहा गया, स्कूल टीचर्स के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्कूल टीचर्स को कहा गया कि वो जीन्स ना पहने. और शरिया लॉ को ये जिस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे कोशिश तो यही कर रहे हैं कि इस तरह का कुछ ना हो, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट आते ही यहाँ पे भी बहुत से तालिबानी माइंड सेट के लोग निकल आए हैं और वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जा रही है. चेतन अग्रवाल, आई हैव एक्सटेंसिवली हर्ड बोथ हसन निसार एंड परवेज हुदबॉय एंड दे सफर फ्रॉम सेम हिंदू हेट्रेड दैट द सो कॉल्ड लिबरल मुस्लिम्स ऑफ इंडिया हैव. नहीं, आई डोंट थिंक कि हसन निसार साहब या परवेज हुदबॉय को इस तरह का कोई हिंदू हेट्रेड है उनके अंदर, मैंने तो नहीं फील किया. चीमा साहब 60% में आते हैं या 40% में, ये मुझे नहीं समझ में आया सवाल, आपके समझ में आया हो तो बता दें. अच्छा, वो क्योंकि मैंने कहा है ना कि 60% लोग जो हैं वो तालिबानी माइंड सेट के हैं. चीमा साहब बीच में खड़े हैं, कभी उधर हो जाते फुदक के, कभी फुदक के इधर हो जाते.
थैंक यू ललित मूले, इवन इफ पाकिस्तान गेट्स आउट ऑफ FATF, देर वोंट बी एनी न्यू इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान ड्यू टू सेफ्टी सिक्योरिटी एंड बिकॉज ऑफ तालिबान गवर्नमेंट नेक्स्ट डोर. ऑफ कोर्स इसके लिए एग्जैक्टली देखें, पाकिस्तानी सफर करेगा ना, अगर ये इस तरह से तालिबान को सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे कोई कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा. और FATF तो है ही हमारे सर के ऊपर, और उस पे भी जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट इमेज नहीं जा पा रही पाकिस्तान की. जी नेक्स्ट आलोक जाखड़. मैडम आरजू कृपया बताएं कि वर्तमान परिदृश्य में पाकिस्तान का भविष्य क्या लग रहा है. आजकल के परिदृश्य का मतलब होता है कि आजकल के सिनेरियो में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है. पाकिस्तान का फ्यूचर थोड़ा सा अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये कि वैसे तो इसी तरह से चलता रहेगा, इसलिए कि ये बिल्कुल टोटली तालिबान वाली फॉर्मेट पे नहीं जा सकते, वो हमें सूट नहीं करेगा. लेकिन ये ज़रूर है कि इसी तरह का हम देखते रहेंगे कि तालिबानी माइंडसेट ज़रूर यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन सिस्टम नहीं आएगा. जी नेक्स्ट विपिन कुमार, इंडिया पाक के दरमियान अमन होना वक्त की ज़रूरत है. क्या कोई पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी भारत से दोस्ती के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ने का मादा रखती है. हो सकता है, PMLN ने पहले भी बहुत काम किया था और नवाज शरीफ साहब ने पहले भी बहुत बार कोशिश की थी. आई होप के इस तरह की पार्टीज अभी भी, इस तरह के लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो है वो चाहे दोस्ती ना हो लेकिन टर्म्स अच्छे हो जाए. हसन निसार जी ने जैसे भी कहा ना, यही बात तो है और एग्जैक्टली यही चीज़ तो कही है. नितिन मित्तल सर जी, बेस्ट कॉमेडी शो टुडे. हे भगवान, कॉमेडी शो कौन सी कॉमेडी की. मतलब सर, अगर हम अपने पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट बताते हैं तो आप लोग कहते हैं कॉमेडी शो है. मैं भी अपने शो के अंदर जब स्टेटमेंट बताती हूँ कि खान साहब ने ये कह दिया है या किसी मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो लोग कहते हैं आपका शो जो है कपिल शर्मा शो जैसा है. तो मैंने कहा मैं तो स्टेटमेंट बता रही होती हूँ, मैंने कौन सी कॉमेडी कर दी. नेक्स्ट कूल डूड आरजू जी, यू आर अ ब्रेव हार्ट, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडिया. Question to you, don't you think Pakistan sponsoring Taliban is like feeding poisonous snakes which will ultimately bite it back? Exactly. True. Very true. Next. Siddharth Shekhar, Imran Khan Rahul Gandhi ko apne PR ke liye rakh le. Unke baad Shehbaz Gill hain jo mere khayal hai Rahul Gandhi ke bhi sar pe haath phir denge, is tarah ki statements dete hain. राहुल गांधी जी ने कल जम्मू में बड़ी तगड़ी स्टेटमेंट दी है, मैं कल उसके ऊपर बनाऊंगा कुछ. मलिक फिटनेस, श्रीमती जी क्या आपने 712 AD से पहले का इतिहास पढ़ा है? इतिहास तारीख है जिसमें आप सभी सनातन धर्म में थे और फिर इस्लाम के कैंसर ने. अरे तो हसन निसार तो यही कह रहे हैं, हम तो इसी पे बात ही इसी के ऊपर कर रहे हैं, यही कह रहे हैं हसन निसार. कह रहे कि जब सब पहले साहब हिंदू थे तो यही बात तो थे. हाँ वही, हसन साहब ने भी यही कहा है और उसमें तो कोई बिल्कुल थे सब लोग, उसमें तो कोई ना करने की गुंजाइश नहीं है. राग धुन, आरजू जी आप भारत आ जाओ, मिलिए आपको इनविटेशन मिल गया. जरूर आऊंगी, विजिट पे तो जरूर आऊंगी. नेक्स्ट, India, few questions to ask and expose Muslims who say they are nice, good, but carry hatred inside. हो सकता है, it depends. लोग होते हैं जो खुल के नहीं बोलते, और ना सिर्फ हिंदू बल्कि किसी भी रिलीजन के लिए जो है जगह नहीं उनके पास. शेख रशीद, अरे वाह, शेख रशीद साहब आपसे सवाल पूछ. शरिया लॉ फॉर पाक व्हेन? क्या ये रॉ की साजिश है, बताइए. ये तो मुझे यहूदियों की साजिश लग रही है रॉ से ज्यादा तो. और शेख रशीद साहब यहाँ कहाँ गए? यूट्यूब पे तो कोई भी शेख रशीद बन सकता है. संतोष कुमार सिंह, आरजू जी व्हाट इज द थ्रेट परसेप्शन ऑन योर लाइफ, हैव यू असेस्ड इट?
नहीं मुझे हाँ आती तो रहती हैं सर, लेकिन ये कि जाहिर है मुझे केयर करनी होती है, थोड़ा सा केयरफुल रहती हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग घूम रहे हैं, उनका क्या किया जा सकता है। सिद्धार्थ शेखर, SDG वाटर, आरजू जी इज व्यूज ऑन प्योर रिसर्च। पिछला तो हमने पूरा वो किया था ना, प्योर रिसर्च के ऊपर ही हमारा पिछला प्रोग्राम, तो प्योर रिसर्च की फंडिंग के ऊपर ही था। हाउ मेनी पीपल वांट शरिया इन पाकिस्तान? प्योर रिसर्च एट सेड 84%। ज्यादा ही होंगे सर, मेरे ख्याल 84% या इतने ही होंगे, 80% लोग जो हैं वो शरिया लॉ चाहते हैं। और बस यही होगा कि पहले अभी थोड़ा सा छुप के उनको अल्कोहल उनको मिलती अंदाज है तो फिर है ना कि स्टार्ट। व्हाट शरिया लॉ एंटेल्स। तो सर शरिया लॉ अगर आ गया तो फिर तो सिर्फ औरतों को ही तो नहीं बंद करेंगे ना, मर्दों के लिए भी हो जाएगा, अल्कोहल नहीं पी सकते ये नहीं। तो अभी थोड़ा सा छुप के ले लेते हैं, फिर ज्यादा छुप के लेंगे, काम तो वही करते रहेंगे सारे, छोड़ने तो नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में बैन है, आप अल्कोहल नहीं मिलती आपको ओपनली, लेकिन जैसे ही अभी न्यू ईयर आएगा, अब न्यू ईयर आने वाला है ना दिसंबर में, फिर देखें कैसे घूम रहे होते हैं सब एक से इधर उधर एम्बेसीज में और सब जगह के मिल जाए, और उसके बाद शरिया लॉ की बात भी कर रहे होते हैं। बल्कि बहुत से जो पैनलिस्ट हमारे जाते हैं इंडियन टीवी पे, जो बैठ के शरिया लॉ के हक में ऊंचे ऊंचे बोल रहे होते हैं, वो भी 2 गिलास मार के गए होते हैं, तो वो उसके बाद जाके बात कुछ और कर रहे होते हैं, मुझे पता है उनका। तो वो मैंने कहा किसी वक्त बोल दिया मैंने तो और नई मुसीबत इनको आ जाएगी। तो वो डबल जो गेम होती है ना, ये दो तरह के स्टेटमेंट्स वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है लोगों की। नेक्स्ट उज्जवल कॉल, विषय से हटने के लिए माफ करें। विषय से क्यों हट रहे हैं आप? विषय से जब हटते हैं आदमी तो हम तो इग्नोर कर देते हैं। उसमें एक आदमी एक हिंदू औरत को कहता है कि तुम्हारे के ये विषय नहीं है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट भारत, नमस्ते आरजू जी, ग्रीटिंग्स फ्रॉम इंडिया। मैम आप गौरव आर्या जी के साथ अब डिबेट्स क्यों नहीं करते? या मेजर गौरव आर्या से पूछे, मुझे नहीं पता, मैं तो उनको कह चुकी हूँ वो नहीं कर रहे तो मैं क्या करूँ। लेकिन वो यही कहते हैं कि वो अपने रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल पे बिजी हैं, जैसे ही टाइम मिलेगा तो फिर वो जरूर आएंगे होपफुली। नहीं तो मैं यहाँ से अलकायदा वालों को कह के गनशन दे के भेजूंगी, वो ऐसे ना गन पॉइंट पे शो करवा देंगे मेजर साहब मैं पैसे जमा कर रही हूँ उसके लिए, उसके बाद जो वो शो हो जाएगा आप लोग भी खुश हो जाएंगे और वो लोग फिर वापस आ जाएंगे, मेजर साहब को कुछ नहीं कहेंगे, प्रॉमिस। नहीं, वो पिछली बार भी मेरे साथ भी कमेंट करके लास्ट मोमेंट पे उनको रिपब्लिक की वजह से छोड़ना पड़ा था अभी पिछले वीक ही। इज़ वेरी बिजी। उज्जवल कॉल, व्हाई डज पाकिस्तानी पब्लिक लाल टोपी हेट द बनिया कम्युनिटी सो मच? व्हाट इज लाल टोपी? व्हाट इज द लेटेस्ट लाल टोपी? लाल टोपी का लेटेस्ट सुना नहीं बहुत दिन से। सर पता है सर, गायब में बस एक बीच में आया था ना, उन्होंने वो यूनिफॉर्म पहन ली थी वो आर्मी की और गनशन लेके खड़े थे कश्मीर पे हमला करने के लिए, उसके बाद से गायब है, फिर मैंने भी कुछ नहीं देखा उनका, कुछ नया स्टेटमेंट नहीं आया। यहाँ पे भी टीवी पे उनको लेना बंद कर दिया लोगों ने, अब कोई उनको नहीं बुलाता मीडिया पे। ऐसा क्यों? तो बड़ी जाती है। हाँ सर अच्छा खासा एंटरटेनमेंट थी, लेकिन पता नहीं लोगों ने बंद कर दिया। मैंने इनफैक्ट मैंने भी उनसे बात की थी अपने चैनल पे आने के लिए, तो ही सेड नो। उनका आपके पास नंबर वंबर हो तो दीजिए, मैं बुलाता हूँ। जरूर सर मैं आपको दूंगी, मैंने भी कोशिश की थी बुलाने की मगर वो आए नहीं, लेकिन मैं आपको नंबर भेज दूंगी, आप पूछ लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, उनका तो ट्विटर भी आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है ना इंडिया में, उनका ट्विटर नजर नहीं आता। हाँ ब्लॉक है, इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। सोचना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, क्लियरेंस लेनी पड़ेगी मुझको रा से। सर अब आरजू जी, विल यू टेक इंडियन सिटीजनशिप? नो आई विल नॉट, मैं पाकिस्तानी सिटीजनशिप ही रखूंगी। आपका डबल पासपोर्ट नहीं है? नहीं सर, हम कोई वो पार्लियामेंट में थोड़ी बैठे, हमारा हमारी डुअल नेशनलिटी हो एक ही है। अच्छा पार्लियामेंट में सबकी डुअल है क्या? पार्लियामेंट में बहुत लोगों की, 90% लोगों की जो है ना वो डुअल नेशनलिटी वाले बैठे हुए हैं, जब भी तो कुछ होता है फौरन। शेख रशी साहब ने नहीं याद आपको, जब उनका इंटरव्यू आया था उन्होंने अभी रिसेंटली क्लिप भी एक किसी ने लगाया था, बल्कि मैंने भी लगाया था, कि जब पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये अपनी न्यूक्लियर एसेट्स का, तो वो भाग के दुबई चले गए थे कि पता नहीं क्या फट जाए क्या हो जाए, और फिर वापस आए। तो वो ये लोग तो सभी के पास है, पार्लियामेंट वालों के पास तो है। वेरी गुड।
अच्छा ये क्या है, हाउ डिड तालिबान अ देवबंदी मूवमेंट गेन सो मच सपोर्ट इन पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट व्हेन पाकिस्तान इज मेजॉरिटी बरेलवी एंड सिग्निफिकेंटली शिया। इसके लिए तो आपको मेरी किताब पढ़नी पड़ेगी, मैंने तो पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से बरेलवियों ने पूरा का पूरा पाकिस्तान तैयार किया, उसके लिए लड़े, उसके लिए मजमे किए, और जब यहाँ आए तो पता चला वो देवबंदी जो थे वो आके चुपचाप बैठ गए और उन्होंने पूरा हथिया लिया सिस्टम। तो हमारे जो लोग थे क्या नईमुद्दीन मुरादाबादी, जिन्होंने ड्राफ्ट एक तरह से पॉइंट्स बनाए थे, पॉइंट्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन का नाम था नईमुद्दीन मुरादाबादी, बरेलवी के सबसे बड़े उस वक्त लीडर थे, जो अहमद रज़ा बरेलवी के जो बेटे थे दोनों हामिद और मुस्तफ़ा, उनसे भी बड़े। और उन्होंने बाकायदा एक तजवीज़ की थी, प्रपोज़ किया था कि इस तरह से होगा, बरेलवियों का अमीर होगा और उस अमीर के नीचे, जैसे आजकल तालिबान चलती है ना उसी तरह से, वो अमीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, इस तरह का पूरा वो बना था, 11 पॉइंट प्रोग्राम था शायद वो। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वो देवबंद के एक निकले हुए शब्बीर अहमद उस्मानी और उधर से अबू अला मौदूदी, वो पावर में आ गए और वो अपना सा मुँह लेके हिंदुस्तान वापस आ गए तीनों। ऐसा होता है सर अक्सर। तो इसलिए पारस जी, ये मेरी किताब में पूरे डिटेल में दिया हुआ है पूरा, जो ये देवबंदी बरेलवी झगड़ा किस तरह से हुआ, किस तरह से पाकिस्तान बना, उसके बाद क्या हुआ, ये सब उसमें। कूल डूड, आपको किताब मिली कि नहीं? सर मिली होती है आपको, दिखा चुकी होती है अभी तक, बल्कि मुझे, मैंने आज ही किसी से बात की और मैंने उनसे कहा कि आप दुबई में किसी को जानते हैं तो मुझे वहां से मंगा दें, तो वो ढूंढ रहे कि दुबई में कोई मिल जाए। फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं, अगर आप अमेजोन पे जाएं और वहां पे ऑर्डर कर दें तो वो किसी भी जगह पे दुनिया के पहुंचा देते हैं। मैंने कहा चलो फिर वो ही मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अमेजोन यहाँ तो नहीं है। लेकिन फिर सर आप बताइएगा, मुझे कोई लिंक भेजिएगा ना अमेजोन का, इंडिया का भेज दे, कोई नजदीक से ही भेज देना, ताकि अमेजोन, ज्यादा दूर से करूंगी और पैसे लगेंगे मुझे पता मेरे। नहीं, मैं आपको भेज देता लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ के डाक सेंसर हो जाएगी या क्या होगा, पहुँचेगी कि नहीं नहीं। नहीं सर अभी तो पोस्ट आ जा नहीं सकती, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं वो कैलेंडर भी भेजना चाह रहे थे मुझे इंडिया से, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अभी नहीं नहीं हो सकता ना, पोस्ट बंद है। लेकिन आप मुझे अमेजोन का लिंक अगर भेज देंगे तो मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं amazon.com का भेज देता हूँ मैं आपको। कूल एग्जैक्टली आपकी डूड, बुक का करके ना। हाँ। आरजू जी, क्या आप क्रिकेट फॉलो करते हैं? पाकिस्तान में शोएब अख्तर वर्सेस वसीम अकरम चल रहा है, शराब एंड पब को लेकर व्यूज़, ये कैसा, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं? मैं इतना ज्यादा क्रिकेट नहीं देखती, मैं देखती हूँ जब इंडिया पाकिस्तान खेल रहे होते हैं, उससे ज्यादा मैं क्रिकेट नहीं देखती, मुझे इतना ज्यादा मालूम नहीं है क्रिकेट का। चलिए जी, सिद्धार्थ शेखर आरजू जी, यू आर द ब्रेवेस्ट वुमन एक्टिविस्ट आफ्टर असमा जहांगीर। थैंक यू सो मच। यार असमा जहांगीर से तो आई डोंट थिंक कि मैं कहीं से भी उनसे मुकाबला कर सकती हूँ, और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हर, और बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने और बहुत बढ़ के बात करते हैं। वो तो साफ कह देते थे कि ये मिलिट्री वाले सारे जर्नैल जो हैं ये डफर हैं, डफर। अरे उन्होंने तो ये कहा था कि अगर इनके करप्शन केसेस सामने आ जाएं तो जो पॉलिटिशियन है वो तो मासूम लगने लगेंगे, उन्होंने तो ये भी बोल दिया। एंड आई थिंक शी वॉज राइट। She died in very mysterious circumstances. एग्जैक्टली कुछ लोग कहते हैं कि ये जर्नैलों ने ही उनका काम तमाम किया, पता नहीं। एनीथिंग हैपेंस, पाकिस्तान में कुछ भी रवि पॉसिबल पिल्लई, है। नाइस टू नो योर बैलेंस्ड व्यूज ऑलवेज, नाउ आई विश टू नो इट इज ट्रू, मोर देन 14,000 अमेरिकन ट्रूप्स इन पाकिस्तान, डू यू थिंक दैट दे कुड बी देयर टू सिक्योर द पाकिस्तानी न्यूक्लियर एसेट्स? हाँ ये भी खबर चली थी, क्या सच है या क्या है इसमें? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि वो न्यूक्लियर एसेट्स की वजह से यहाँ पर हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जो अभी तक हमें खुद भी नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने डायरेक्ट भी तो जा सकते थे। अब कहा कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो बीच में रुके क्योंकि वो फ्यूल जो है वो कम खर्च होता है ये, मतलब ये क्या बात हुई है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने में फ्यूल कम खर्च होगा और अगर वो डायरेक्ट जाएंगे तो ज्यादा खर्च होगा, मतलब इस तरह की बातें जो है वो हर तरफ से लोग कह रहे हैं, लेकिन काफी कंफ्यूजिंग है। उनको जाना था कतर, तो कतर के रास्ते में इस्लामाबाद तो नहीं आता? लेकिन बगैर किसी वजह के यहाँ रुकना भी कोई, मुझे तो नहीं लगता कि वो रुकेंगे, कोई ना कोई बात तो है जो यहाँ पे उनको ठहराया गया है।
कितने हैं नंबर, टोटल नंबर कोई आइडिया? और पता नहीं, अब अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किए थे वो तो 9,000 बता रहे थे, कि पहले कहा गया था 3,500 हैं, फिर उसके बाद 8,000 हुए, फिर 9,000 हुए। टोटल टोटल अफगानिस्तान में तो 2,500 ही थे, यहाँ 9,000 कैसे आ गए? पता नहीं, वो कह रहे थे जी पता नहीं 9,000 आए थे वो चले गए हैं, हमें तो पहले 3,500 का फिगर आया हुआ था जो हम लोगों ने देखा था, उसके बाद पता नहीं शेख रशीद साहब कह रहे थे 9,000 आए थे, फिर वो चले गए हैं, फिर पता नहीं ऐसे वो बार बार आ रहे हैं और जा रहे हैं तो वो काउंट कर चलिए तो नीरज एग्जैक्ट कुमार, फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी वही है कि 3 से 3,500 सुना था। नीरज कुमार श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आरजू जी आप दिवाली में प्लीज साड़ी पहन के प्रोग्राम कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पूरा नहीं, उनसे डेस्क में कह रहे हैं उसको पूरा पढ़ दीजिए, वो आपकी तारीफ कर रहे थे खास। आरजू जी यू आर द ब्रेवेस्ट वुमन एक्टिविस्ट, ये तो हो गया असमा जहांगीर वाला तो। अच्छा ये अच्छा, इसमें ये भी कहा है प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी, पाकिस्तान नीड्स सेन पीपल लाइक यू। थैंक यू सो मच, आई विल। स्नेहाशीष जी, संजय सर कैन मरियम नवाज टेक ओवर पाकिस्तान? आई डोंट थिंक, अभी इतनी जल्दी मरियम नवाज नहीं आ सकती, अभी तो पीपल्स पार्टी का ही लग रहा है, लेकिन बट शी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। दैट्स ओके, सो दैट ब्रिंग्स द एपिसोड टू अ क्लोज। आरजू जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। गुड नाइट फ्रॉम हियर, और थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।